गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ थर्ड चैप्टर। इन पार्ट फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी रीड द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर ब्रदरली लव, भाई का प्यार। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करें। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन, क्या आपने कभी किसी की मदद की? हुम डिड यू हेल्प, आपने किसकी मदद की? हाउ डिड यू हेल्प, उसकी मदद आपने कैसे की? व्हाट मेड यू डू इट, टेल योर पार्टनर कि ऐसा क्या हुआ था जिससे आपने उसकी मदद की। रीजन, डिड समवन एवर हेल्प यू, क्या आपने, आपकी किसी ने मदद की? हु हेल्प्ड यू, किसने आपको मदद दी? एंड हाउ, कैसे? डिस्क्राइब व्हाट हैपन, ऐसा क्या हुआ था कि उसने आपको मदद दी? टेल द क्लास, अपनी कक्षा को बताएं। हाउ डिड यू फील आफ्टर बोथ द इंसिडेंट, इन दोनों घटनाओं से आपने क्या महसूस किया? यू हैव टू राइट हियर, व्हेन आई हेल्प्ड समवन, व्हेन समवन हेल्प्ड मी। वर्ड्स टू नो, सपोर्ट, हार्वेस्टेड, स्टोर्ड, डिमिनिश्ड, अप्रोचिंग, स्ट्रेंज एंड स्ट्रेंजर। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स, चलो अब दो भाई की कहानी पढ़ते हैं। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड टू ब्रदर्स इन अ विलेज, बहुत पहले समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। दे हैड बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर सिंस दे वर लिटिल बॉयज, जब से वो छोटे बच्चे थे यानी अपने बचपन से ही दोनों भाई बहुत ही अपने एक दूसरे के क्लोज थे, मतलब बहुत ही नज़दीक थे। एवरीवन इन द विलेज न्यू अबाउट देयर लव फॉर ईच अदर, उन दोनों भाइयों के एक दूसरे के साथ जो प्यार था उसके बारे में पूरा गांव जानता था। द ओल्डर ब्रदर वुड ऑलवेज लुक आउट फॉर हिज यंगर ब्रदर इफ ही वॉज एवर इन अ ट्रबल, अगर छोटा भाई कभी किसी कठिनाई में होता था तो बड़ा भाई हमेशा उसको देखता था। एज अ रिजल्ट, उसी के परिणाम स्वरूप, नन ऑफ द विलेज बॉयज डेयर टू ट्रबल हिम, इसलिए उसी के खातिर जब बड़ा भाई उसको इतनी केयरिंग देता था तो गांव का कोई भी बच्चा छोटे भाई को कोई भी परेशानी देने में या कठिनाई देने में सोचता था यानी कोई हिम्मत नहीं करता था। एज टाइम पास्ड, जैसे समय बीता, दे बोथ ग्रो अप टू बी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग मैन, जैसे जैसे समय बीता दोनों भाई बहुत ही कठिन मेहनती बने और बहुत ही सिंसियर बने। Their parents died within a few years of each other, so the two brothers promised that they would look after each other to as long as they lived. मतलब फिर क्या हुआ कि कुछ समय बीता, धीरे धीरे कुछ ही सालों के बीच में दोनों इनके माता पिता जो थे उनके क्या हो चुका, मृत्यु हो चुकी या देहांत हो चुका। फिर दोनों भाइयों ने वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, ऐसे ही प्यार से रहेंगे और एक दूसरे की देखभाल करेंगे। बोथ ऑफ देम मैरिड इन टाइम एंड देयर फैमिलीज ग्रू बिगर, अब समय हुआ उन दोनों की शादी का और दोनों भाइयों की शादी हुई और उनके परिवार भी बड़े बने। बट ऑल्दो दे वर्क्ड हार्ड एंड सिंसियरली, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहुत ही मेहनती थे, मेहनती से कठिनाई से कठिन परिश्रम करने लगे। दे वर बोथ नॉट वेरी वेल ऑफ, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी ठीक है उनका घर चल रहा था लेकिन वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे। द ओल्डर ब्रदर वॉज अ लिटिल बेटर ऑफ देम, द यंगर वन हु हैड लार्ज फैमिली टू सपोर्ट देन हिज ओल्डर ब्रदर, क्योंकि छोटे भाई का परिवार थोड़ा बड़ा था, बड़ा भाई का थोड़ा छोटा था, तो बड़े भाई की कंडीशन छोटे से थोड़ी अच्छी थी, इसलिए बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई के सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए साथ में रहता था। वन ऑटमन दे हार्वेस्टेड देयर ग्रेन विच वॉज नॉट मच, अब एक ऑटम आया, पतझड़ आया जिसमें फसल पक के तैयार हो गई थी, हार्वेस्टिंग का समय हो गया। जब वह फसल काटे गए तो वह फसल इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो बेची जा सके, मतलब ठीक ठाक उगी। दे हैड जस्ट इनफ टू फीड देयर फैमिलीज बट नॉट मच लेफ्ट ओवर टू सेल, खाली इतना ही अनाज तैयार हुआ जिससे कि वो पूरे साल खा सके, लेकिन इतना नहीं हुआ जिससे कि वह बेचे और अपना परिवार का गुजारा कर सकें। द ओल्डर ब्रदर वॉज वेरी वरिड अबाउट हिज यंगर ब्रदर एज ही हैड ए लार्ज फैमिली टू फीड, अब बड़े भाई को बड़ी चिंता हुई क्योंकि छोटा भाई का जो परिवार था वो थोड़ा बड़ा था, तो उसको ये चिंता थी कि वह पूरे साल अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। ही वंडर्ड हाउ ही कुड हेल्प हिम एंड सो ही मेड ए सीक्रेट प्लान, बस उसके मन में विचार चल रहे थे, बहुत ही सोच रहा था गहराई से कि अब मैं मेरे छोटे भाई की मदद कैसे करूं, और उस मदद के लिए उसने एक सीक्रेट प्लान बनाया। दैट नाइट, उसी रात, ही टूक सम ग्रेन फ्रॉम हिज ओवन स्टोर एंड क्वाइटली वेंट ओवर टू हिज ब्रदर्स प्लेस एंड पुट इट इन हिज स्टोर, अब
क्या होता है कि उसी रात वो जो प्लान बनाता है वो क्या करता है, उस रात का समय बीतता है, अपने स्टोर से एक अनाज का बोरा लेकर अपने भाई के घर जाता है, छोटे भाई के घर, और उसके स्टोर में रख देता है। फीलिंग प्लेस्ड विथ हिमसेल्फ ही वेंट टू हिज स्टोर द नेक्स्ट डे टू चेक। अब इसी खुशी के साथ फिर वहाँ आ जाता है और दूसरे दिन अपने स्टोर को देखने के लिए जाता है। बट ही वॉज सरप्राइज, लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य होता है टू सी दैट हिज ओन ग्रेन सप्लाई हैड नॉट रिड्यूस्ड, कि उसको ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जो उसने अनाज वहाँ पे रख के आया इसके बाद भी उसके स्टोर में कोई अनाज कम नहीं हुआ। ही थॉट, वह सोचता है, ही थॉट दैट प्रोबेबली ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसको लगता है कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई है या गलती हो गई है। द नेक्स्ट टू नाइट ही डिड द सेम थिंग्स, अगली दो रातों को वहां ऐसा ही वापस करता है कि अनाज लेता है और अपने छोटे भाई के घर स्टोर में रखाता है। स्टिल हिज ग्रेन सप्लाई वाज नॉट डिमिनिश्ड, लेकिन फिर भी उसके स्टोर में से, बड़े भाई के स्टोर में से कोई भी अनाज कम नहीं होता है। ही स्टेड द सेम, वैसे का वैसा ही रहता है। ही थॉट इट वेरी स्ट्रेंज इनडीड दैट इवन थॉट ही केप्ट टेकिंग अवे ग्रेन एवरी नाइट द अमाउंट रिमेंड द सेम, उसको इस चीज का बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं हर रात को उस अनाज का कुछ हिस्सा उस मेरे भाई के घर रख के आता हूँ, लेकिन फिर भी वो वैसा का वैसा है। ही डिसाइडेड, उसने तय किया टू फाइंड आउट व्हाट द मिस्ट्री वाज एंड सो ही हाइड हिमसेल्फ इन द फील्ड दैट नाइट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, उस चीज को, उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, उस रहस्य को सुलझाने के लिए उसने एक प्लान बनाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए बड़े भाई ने अपने आप को खेत में उस जड़ियों के पीछे उसने छुपा दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, ही सा द शेडो ऑफ ए पर्सन अप्रोचिंग, उसने किसी एक व्यक्ति का शेडो देखा जो उसके आगे से जा रहा था। ही पीप्ड आउट, उसने थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर देखा, फ्रॉम बिहाइंड द क्रॉप्स, उस फसल के पीछे देखा, टू सी हु इट वाज, कि यह व्यक्ति कौन है। टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, द स्ट्रेंजर वाज नन अदर देन हिज ओन ब्रदर, उसने देखा कि वह स्ट्रेंजर कोई दूसरा यानी कोई अजनबी नहीं है, वह तो उसका भाई है। हिज यंगर ब्रदर देन टोल्ड ही ब्रदर आई हैव बीन वेरी वरीड अबाउट यू, फिर वह कहता है कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी चिंता में हूँ। द क्रॉप दिस टाइम वाज हैज नॉट बीन वेरी गुड, क्योंकि इस बार अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। आई कुड नॉट स्लीप एट नाइट थिंकिंग अबाउट यू, और तब से मैं उस रात से सो नहीं पाया हूँ, आपके लिए सोच रहा हूँ। आई न्यू यू वुड नॉट एक्सेप्ट एनी ग्रेन फ्रॉम मी, और मुझे पता था कि तुम कोई भी अनाज मेरे से नहीं लोगे। सो एवरी नाइट आई हैव बीन ब्रिंगिंग सम ग्रेन फ्रॉम योर स्टोर फॉर यू, इसलिए हर रात को मैं अपने स्टोर से तुम्हारे स्टोर में रखने के लिए कुछ अनाज लाता था। हियरिंग दिस, और यह सब बातें एक दूसरे की सुनी, द ओल्डर ब्रदर स्टार्टेड क्राइंग, अब छोटे भाई को यह सब बात देखकर बड़ा रोना आया, एंड सेड, और उसने कहा, ओह हाउ लकी आई एम, मैं कितना ही खुश नसीब हूँ टू हैव सच ए लविंग ब्रदर लाइक यू, कि आपके जैसा जो छोटा भाई प्यारा मुझे मिला है। ईच नाइट आई टू हैव बीन टेकिंग माई ग्रैंड टू योर स्टोर, अब मैं भी तुम्हारे स्टोर से, तुम्हारे लिए मेरे स्टोर से क्या लाता था, अनाज लाता था। आई हैव बीन वरीड अबाउट यू टू, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए चिंतित था। दे बोथ हग्ड जॉयफुली, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एंड हैप्पी दैट दे हैड प्रूव्ड देयर ट्रू लव, और दोनों ने अपना एक सच्चा प्यार साबित कर लिया, इसलिए बहुत ही खुश थे। फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, दे लिव्ड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स हैप्पीली हेल्पिंग वन अनादर इन टाइम्स ऑफ नीड, अब दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की जरूरत के समय एक साथ खड़े रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ब्रदर्स लव, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज विच इज गिवन बाय द वर्कशीट। थैंक यू।